वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मार्केट प्लस। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पर। सर, जब हम 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं और जब उसका प्राइस 50 रुपए हो जाता है तो लोग पेशेंस रखते ही नहीं, और जब वही शेयर 110 या 120 का होता है तो लोग उसे बेच देते हैं। क्यों सर, क्यों राह नहीं देखते वो शेयर 200 या 250 होगा इसकी? ये बात सच तो है, मैं कई बार सोचता हूँ, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि मार्केट में जो है उससे ग्रीड, फियर, इमोशन का खेल चलाता है। लेकिन मेरे हिसाब से और भी एक चीज़ है जो मार्केट को चलाती है, और वो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे 20 साल के करियर में मैंने वो जाना है, जो बहुत सारे टीवी चैनल में, न्यूज़ में भी ये चीज़ें नहीं बताते हैं, जो मैंने ये मार्केट में रहकर इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, और वो है बोरिंग। यस, सही सुना आपने, बोरिंग मार्केट। और ये बोरिंग मार्केट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए, और इसी से वो जो अभी आपने सवाल पूछा ना, वो इसी से क्रिएट होता है। बोरिंग का मतलब होना है बोर होना। जब लोग एक शेयर लेते हैं ना, और वो शेयर जब वो बढ़ता नहीं है तो लोग वो शेयर को ऐसे ही रखते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं। रोज रोज वो शेयर को देखते हैं, उसी में ट्रेडिंग शुरू करते हैं, फिर वो शेयर का भाव देखते हैं, फिर वो शेयर बढ़ा नहीं है, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। और कुछ लोग जो है ना, वो ऊपर देखते हैं भगवान की, और रोज वो शेयर देखते हैं और फिर बोर हो जाते हैं, और उसी में फाइनली फिर क्या करते हैं कि उसमें ट्रेडिंग करना भी शुरू कर देते हैं। फिर वो रोज शेयर का भाव देखते हैं कि बढ़ा कि नहीं, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। और फिर कुछ लोग तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि वो ऊपर देखते हैं और फिर ऊपर देख के बोलते हैं भगवान को कि भगवान मैंने भी ये शेयर खरीद लिया है, वो भगवान को पता चल गया, इसीलिए इसने बढ़ना बंद कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो, बाज़ार को जब बढ़ना है तो बढ़ता है, बाज़ार को जब गिरना है तो गिरता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। शेयर के भाव नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं तो लोग क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शेयर सिर्फ खरीदने और बेचने तक ही जो है अपने इमोशन जोड़ने चाहिए। सो ये जो बोर्डम होता है ना, कि ज़्यादा वक्त शेयर नहीं चलता है, ज़्यादा वक्त साइडवेज हो जाते हैं और लोग जो है ना ये देखकर परेशान हो जाते हैं, और फिर कुछ कुछ शेयर्स जो है ना फिर रुक जाते हैं, और फिर जब रुक जाते हैं ना तो वो इतने बोर हो जाते हैं, इतने बोर हो जाते हैं कि वो शेयर बेच देते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद वही शेयर्स काफ़ी ऊपर चला जाता है और फिर उन्हें अफसोस हो जाता है कि अरे ये शेयर मेरे पास था और मैंने ये क्यों बेच दिया। तो वहाँ पर जो है ना पेशेंस रखना चाहिए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, सेमिनार में कहता हूँ कि शेयर मार्केट जो है ना वो पेशेंस का धंधा है। जिसके पास धीरज है ना, उनके पास धन आता है, और धन उनके पास ही जाता है जिनके पास धीरज होती है। ऐसे मेरे दादाजी मुझे बचपन में सिखाया करते थे, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास पेशेंस है उनको ही शेयर बाजार से पैसे मिलते हैं। तो पेशेंस बना के रखिए। जैसे आप एक झाड़ लगाते हैं तो क्या आप रोज चेक करते हैं क्या वो झाड़ बढ़ा कि नहीं, बढ़ा कि नहीं? क्या वो जमीन खोद कर देखते हैं कि वो बीज क्यों बाहर नहीं आ रहा? नहीं ना। आप पेशेंस रखते हैं कि नहीं? आप सोना खरीदते हैं तो आप पेशेंस रखते हैं ना, रोज जाके क्या उस ज्वेलर को पूछते हैं कि कल मैंने सोना खरीदा तो कितना भाव बढ़ा, परसों कितना बढ़ा, ये बढ़ा? नहीं ना। तो उसी तरह से शेयर खरीदने के बाद कुछ दिन जो है मार्केट पे भरोसा करिए और शेयर बढ़ने की जो है वो राह देखिए। देखिए, कभी कभी टीवी न्यूज़ में हम देखते हैं, या कभी फ्रेंड ने बता दिया कि ये शेयर खरीद लो, और ख़रीदने के बाद अगर वो शेयर नीचे चला गया, 1% नीचे चला गया, तो हम सच मान लेते हैं और फिर शेयर बेच देते हैं। देखिए, कभी कभी ये सही भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट आपने अगर सही शेयर भी चुना होगा और अगर 1% चला गया और फिर आपने वो डर के मारे बेच दिया और फिर वापस शेयर ऊपर आ गया तो क्या फ़ायदा, और फिर वो डबल ट्रिपल भी हो गया तो? तो देखिए, अपने आप पे कभी डाउट मत कीजिए। मार्केट को जैसा चलना है वो हमेशा चलता है। मार्केट में इमोशन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखते।
और इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए हमारे एक और एक वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए, ताकि इसके ऊपर मैंने और डिटेल में बात की है। कुछ लोग स्टॉप लॉस टारगेट नहीं होते लगाते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर वो बोर फील करते हैं, उनको लगता है कि कल का कल टारगेट आ जाना चाहिए या कल का कल स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, उनके पास धीरज ही नहीं होती है। जब शेयर 500 रुपये में लिया और वो शेयर 250 रुपया हो गया तो एक दो साल वो रुक जाते हैं कि आज भाव ऊपर आएगा, 250 का 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, मेरी कीमत पे आएगा, तो एक दो साल वो रुक जाते हैं। लेकिन वही शेयर फिर से 250 का 500 हो जाता है तो वो इंसान उसे बेच के निकल जाता है, क्योंकि तब तक वो इतना बोर हो चुका रहता है कि उसके बाद उसकी पेशेंस बिल्कुल रहती नहीं है। सो दोस्तों, पैसों को वो लोग खो देते हैं, ऐसे लोग ही मार्केट में पैसा खो देते हैं। वो सोचते नहीं है कि जो शेयर्स 250 का नीचे जाकर वापस ऊपर आया तो ऊपर से 250 से 500 भी हो सकता है। वो शेयर अपनी चाल अब चलता है, जब वो ऊपर से नीचे गया और नीचे से ऊपर आया तो हो सकता है कि वो 500 रुपये का शेयर रॉकेट की तरह चल के 2000 भी हो सकता है। तो पेशेंस रखना चाहिए, बस 250 से 500 हुआ, जिसमें ख़रीदा था वो प्राइस में ही आया, वहाँ पर बेच के निकल जाओ, ऐसी मानसिकता मार्केट में होती है और इससे दूर रहना चाहिए। हाँ सर, ऐसा ही होता है, जब वो 500 में खरीदते हैं 250 हो जाता है तो फिर वो शेयर 500 आने पे बेच देते हैं और पेशेंस रखते ही नहीं। जी, मैंने भी मार्केट में ऐसे स्टॉक देखे हैं कि मार्केट में ऐसे काफ़ी स्टॉक है जो ऊपर से नीचे गया और नीचे रुक के लोगों को थका दिया, लोग बोर हो गए और लोगों का पेशेंस ख़त्म हो गया और फिर वो शेयर्स धीरे 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 वापस ऊपर आ गया। तो ये लोग सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी प्राइस हो गई और इतनी प्राइस बढ़ गई। तो ऐसा भी होता है, जो स्टॉक नीचे से ऊपर आया तो आपको उस शेयर में रुकना ही चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं, तो देखिए वो हर एक का अलग अलग है कि किसको कहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बोरिंग मार्केट है और शेयर मार्केट जो है ना वो बोरिंग का धंधा है, बोरिंग का मार्केट है। तो जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर प्रॉफिट ले लीजिए, जहाँ पे लगता है कि कम कमाई हो रही है और आपको लगता है कि मिलता है तो निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर लंबा प्रॉफिट कमाना है ना तो उसके लिए आपको धीरज पेशेंस रखना ही पड़ेगा। देखिए ये कोई मनोरंजन का मार्केट नहीं है कि जहाँ पर आप गए अपना मनोरंजन किया और पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पेशेंस का धंधा है और मैंने पहले ही कहा कि मेरे दादाजी मुझे बचपन में सिखाते थे कि जो बंदा जितना ज़्यादा पेशेंस रखेगा ये मार्केट में उतनी ज़्यादा बढ़िया कमाई करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। धनश्री एकेडमी एक एजुकेशन प्रोवाइडर है जहाँ पे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज होते हैं। अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो धनश्री एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। वेल थैंक यू नमीश सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये समझाया एंड मुझे लगता है कि पैसों के मामले में ये सभी लोगों को सोचना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धनश्री अकेडमी, योर मनी योर ड्रीम्स अवर ट्रेनिंग। ज्वाइन अवर कोर्सेज टू लर्न स्टॉक कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट। For more details, log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.